हेलो गाइस आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाईक्यू फॉर नीट जे एंड सीबीएसई में अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट दिस सॉलिड एंगल बाय बाई दिफ्री ऑफ एन एरिया ऑफ वन सेंटीमीटर स्क्वायर एट ए पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट ए डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया भाई हमें सॉलिड एंगल निकालना है और सॉलिड एंगल कहाँ पर बन रहा है बाय द पेरीफ्री ऑफ एन एरिया मतलब ये देखो बाय दिस पेरीफ्री ऑफ द एरिया है ना इस एरिया के पेरीफ्री से एक सॉलिड एंगल बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है सेंटर पर बन रहा है है ना सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली बन रहा है और कितने डिस्टेंस पर बन रहा है ये पांच सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्लियर है और ये एरिया आपको दिया हुआ है वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको वन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है पांच सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक सॉलिड एंगल बन रहा है ये ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया अब सॉलिड एंगल हमें निकालना है सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है मेरे भाई एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर यही आप पढ़ते हो सॉलिड एंगल तो एरिया कितना है वन सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस कितनी है मेरे भाई फाइव सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हमारे पास सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा वन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल कर दो तो ये आ गया वन अपॉन ट्वेंटी फाइव अब आप बोलोगे इसकी यूनिट नहीं होगी मेरे भाई सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन एस टी आर ए डी आई ए एन स्टेरेडियन ज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल ध्यान रखना दिस इज आंसर, ठीक है